हेलो दोस्तों, लर्न बेसिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो अगर आप अपने एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया या पावर पॉइंट हो गया, उसमें जो कलर थीम होती है यानी कि जो कलर दिख रहा है, जैसे कि एमएस वर्ड खुला है सामने आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा, अगर आप इसको डार्क कलर में लेके आना चाहते हैं तो वो कैसे ला सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, बहुत सिंपल है। ऊपर ऑफिस बॉक्स बॉक्स बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर, ये देखिए, इसको क्लिक कर दीजिए और नीचे देखिए वर्ड ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जब आप वर्ड ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा छोटा सा विंडो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए कलर स्कीम करके ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देता हूँ, ये देखिए कलर स्कीम, और बगल में आपको ब्लू दिख रहा होगा, और साइड में ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करिए। अब आपको ये तीन ऑप्शन देता है, सिल्वर, ब्लैक, ठीक है। ब्लू ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्लैक का, तो हम इस पर ब्लैक क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पर ब्लैक क्लिक करेंगे, ये आप देखेंगे सराउंडिंग की जो स्क्रीन है वो ब्लैक कलर में आ जाएगी, ये देखिए। और यहाँ से हमने जैसे ही ओके किया, ये देखिए ब्लैक कलर में हो गई। अच्छा, इसका एक एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ वर्ड की ही जो कलर स्कीम है वो नहीं चेंज करता, ये एमएस एक्सेल की भी कर देगा और पावर पॉइंट की भी कर देगा। मैं देखिए अभी एमएस एक्सेल ओपन करूँगा तो वो भी आपको डार्क थीम में दिखेगा। देखिए ये देखिए एमएस एक्सेल ओपन मैंने किया, और ये देखिए ये भी डार्क थीम में आ रहा है। पावर पॉइंट जब मैं ओपन करूँगा तो ये देखिए ये भी डार्क थीम पे आ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपकी मतलब इसने टोटल जो कलर स्कीम थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वो चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन था सिल्वर का, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने इसका देखा आपने एमएस वर्ल्ड का, ठीक है। अब इस बार हम एक्सेल से चलते हैं, ठीक है। इस बार तो हमने एमएस वर्ल्ड पे किया था, अब देखिए जब मैं एक्सेल में चेंज करूंगा तो भी ये एमएस वर्ल्ड और पावर पॉइंट जो है उसको चेंज कर देगा, ठीक है। एक मिनट में इसको क्लोज कर दूँ, ठीक है। अभी देखिए एमएस एक्सेल है, अब यहाँ से मैं सिल्वर करूँगा तो ये एमएस वर्ल्ड की भी चेंज कर देगा, पावर पॉइंट की भी चेंज कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से ऑफिस बटन पे क्लिक किया, नीचे आए, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन दिख रहा है, सो क्लिक करिए। अब यहाँ देखिए कलर स्कीम ब्लैक दिखा रहा है, यहाँ पर नीचे लाइए तो देखिए फिर सिल्वर हमें इस बार सेलेक्ट करना है, सिल्वर पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने ओके कर दिया। अब देखिए ये सिल्वर कलर में आ गया। अब देखिएगा जब मैं एमएस वर्ल्ड ओपन करूँगा तो वो भी सिल्वर कलर में आएगा, ये देखिए सिल्वर कलर में। पावर पॉइंट ओपन करूँगा तो वो भी सिल्वर कलर में ही आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप पावर पॉइंट से चेंज करते हैं कलर स्कीम तो फिर सारे का सारा चेंज हो जाएगा। अपना सिल्वर है, इसको मैं वापस ब्लू कर दूं तो ये आप देखेंगे कि ये भी ब्लू कलर में आ जाएगा, ये देखिए ब्लू कलर में आ गया। और एमएस वर्ल्ड ये भी देखिए ब्लू कलर में आ गया, और एक्सेल ये भी ब्लू कलर में आ गया, ठीक है। तो जनरली तीन ऑप्शन होते हैं, ब्लू, सिल्वर और ब्लैक, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।